हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास है DJI का फैंटम 4 प्रो ड्रोन। तो दोस्तों इसकी जो प्राइसिंग है वो है 1,60,000 के आसपास यह ड्रोन आपको देखने के लिए मिल जाता है। मार्केट में अगर आप जाते हैं तो 1,60,000 के आसपास ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ड्रोन बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका कैमरा फुटेज है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। आपको लास्ट में मैं दिखाऊंगा इसकी कैमरा फुटेज, देखना एकदम मज़ा ही आ जाएगा। फिलहाल आपको इसका बॉक्स मैंने दिखा दिया है, फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। उसके बाद इसे ग्राउंड में लेकर जाके थोड़ा सा फ्लाई करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा फ्लाई करता है, कितनी इसकी स्टेबिलिटी है। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको, इस पहले से बॉक्स से बाहर निकालता हूँ, उसके बाद आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, इस ड्रोन के साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा बॉक्स है, इसे यहाँ से आप कुछ इस तरीके से ऊपर की साइड क्लिच करेंगे और घुमा देंगे तो ये आपका जो बॉक्स है ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको इसे लिटा कर ही ओपन करना होगा, नहीं तो सारी चीज़ें गिर जाएंगी। दोस्तों इस ड्रोन की पैकिंग वगैरह आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कमाल की है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो बॉक्स में हमें अलग से बैटरियाँ भी मिलती हैं, मतलब टोटल इसके साथ हमें 3 बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। एक ड्रोन में पहले से अटैच्ड है और 2 हमें बॉक्स में मिल जाती हैं। फिलहाल यहाँ पे इसका रिमोट देख सकते हैं, ये इसका रिमोट है। यहाँ पर आपको मोबाइल होल्डर भी इसमें पहले से ही अटैच मिल जाता है, इसमें आप अपना मोबाइल वगैरह लगा सकते हैं और यहाँ से इसे हटा भी सकते हैं अगर आप हटाना चाहें तो, लेकिन हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। बाकी ऊपर की साइड में देखेंगे तो इसके एंटीनाज हैं। बाकी जस्ट इस रिमोट के पीछे की साइड में अगर हम जाके देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको 2 बटन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों इन बटन को हम C1 और C2 से कहते हैं और ये कस्टमाइजेबल बटन होते हैं। यहाँ पर जो ये आपको व्हील दिखाई दे रहा है ये है इसका कैमरा सेटिंग व्हील, और इसी के नीचे आपको देखने के लिए मिल जाता है एक शटर बटन। यहाँ पर भी एक व्हील देखने के लिए मिलता है जो कि है गिम्बल व्हील, और इसी के साथ में जो रेड बटन है वो है आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, और एक छोटा सा बटन है वो है फ्लाइट मोड चेंज करने के लिए। आप इसे अलग अलग फ्लाइट मोड में फ्लाई कर सकते हैं इस बटन से। बाकी दोस्तों ऑन ऑफ के बटन के साथ आपको एक और बटन मिलता है जो कि है रिटर्न टू होम का बटन। आपका ड्रोन कहीं भी हो आप एक बटन दबाते ही ये आपके पास वापस आ जाएगा। तो चलिए अभी रिमोट को रख लेते हैं साइड में, अभी सारी चीज़ों को पहले बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें बॉक्स के बाहर आ गई हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉपलर्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ काफ़ी सारी प्रॉपलर्स मिलती हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कितनी प्रॉपलर्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोस्तों इस ड्रोन के साथ हमें 8 प्रॉपलर्स देखने के लिए मिल जाती हैं, इसमें से 4 तो हमारी यूज़ हो जाएंगी और 4 एक्स्ट्रा हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ये है इसकी बैटरी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ बैटरी निकाल करके। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़े साइज़ की इसकी बैटरी है और इसका जो प्ले टाइम है वो भी काफ़ी तगड़ा होगा। देख सकते हैं बैटरी के ऊपर भी फैंटम 4 लिखा हुआ है, और इधर ऑन का बटन है और इंडिकेटर लाइट भी है, यानी ये बता देती है आपकी बैटरी कितनी चार्ज है। यार मुझे देख के अजीब सा लग रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बैटरियाँ हैं, इतना तो मिनी ड्रोन में वजन होता है पूरे ड्रोन में जितना कि इसकी एक बैटरी में वेट है। और बाकी देख सकते हैं 2 बैटरी हमारी ये बॉक्स में थी और एक ड्रोन में लगी हुई है, तो टोटल 3 बैटरी हैं। बाकी देख सकते हैं ये काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हैं इसके, इनमें आपको बताया होता है कि कहाँ पे आपको फ्लाई करना है, कैसे आपको फ्लाई करना है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। और यहाँ पर एक पता नहीं ये सर्विस कार्ड है शायद, चलिए इसको तो अभी साइड में रखते हैं, इसमें कुछ खास देखने लायक है नहीं। और बाकी यहाँ देख सकते हैं ये है इसका मेन मैनुअल, जिसमें देख के आप इसको अच्छे से फ्लाई कर पाएंगे, इसकी गिम्बल को एडजस्ट कर पाएंगे, रिमोट से ड्रोन को कनेक्ट कर पाएंगे और सारी चीज़ें इसी में होती हैं। बाकी ये सारे बेकार के मैनुअल हैं, तो चलिए अभी मैनुअल्स को हम रखते हैं साइड में, क्योंकि यार अगर मैं पूरे मैनुअल दिखाने लगा तो शाम हो जाएगी। और बाकी आप देख सकते हैं ये है एक चार्जिंग केबल, तो इसे आपको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक अडेप्टर देखने के लिए मिल जाता है जो कि आपकी बैटरी को, मतलब जो आपकी आपकी नहीं आपके ड्रोन की जो बैटरी है उसे चार्ज करने के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये आपकी बैटरी में लग जाता है, और फिलहाल इधर वाला जो पॉइंट है इसमें आपका ये वाला जो केबल है ये लग जाता है, उसके बाद आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको बैटरी को कैसे लगाना है इसमें। तो दोस्तों नीचे की साइड में बैटरी की आपको ये जगह दिख जाएगी, इस केबल को आपको यहीं पर लगा देना है और इसके बाद सिंपली आपको किसी भी स्विच में लगा के इसे चार्ज कर लेना है। दोस्तों इसकी एक बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे का टाइम लगता है, तो 2 घंटे बाद आप इस बैटरी को हटा के अपने ड्रोन में लगा के यूज़ कर सकते हैं और मजे ले सकते हैं अपने ड्रोन के। तो अभी आपको मैंने दिखाया कि बैटरी को कैसे चार्ज करना है। फिलहाल यहाँ एक केबल मिलती है जो कि आपकी USB to Micro USB केबल है, इससे आप अपने फ़ोन को रिमोट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप की दिखाई देती है। और इसके बाद हमें एक केबल और मिल जाती है, छोटी सी है जो, और ये जो केबल है ये एक डेटा ट्रांसफ़र केबल है, तो इसे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये इधर से एक USB पोर्ट की तरह है और उधर से एक Micro USB है। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। फिलहाल मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं, अभी मैं आपको मेन चीज़ दिखा देता हूँ जो कि है ड्रोन।
तो यार ये काफी ज्यादा बड़ा ड्रोन है और मेरे को उठाने में भी इसे तकलीफ हो रही है, काफी ज्यादा वेट भी है इसके अंदर। मतलब दोस्तों एक हाथ से 1.5 किलो को उठा के रखते हैं तो दिक्कत तो होती है, और मैंने तो इसे उंगलियों से पकड़ा है। और इसके अंदर जो वेट है वो 1400 ग्राम का ये ड्रोन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो मोटर्स हैं वो कितने बड़े बड़े यूज किए गए हैं, और इसकी लुकिंग देख सकते हैं एकदम कमाल की है। यहाँ पर प्रेस करके आप इसकी जो बैटरी है उसे निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैं आपको बैटरी इसकी दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 3 बैटरीज अवेलेबल हैं जो इस ड्रोन के साथ आई थी। तो बैटरी को आप कैसे चार्ज कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, और अगर आप इसे एक साथ चार्ज करना चाहते हैं तीनों बैटरी को तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से मोर कुंबो चार्जर लेना पड़ेगा जिससे आप एक साथ 2 घंटे में तीनों बैटरियों को चार्ज कर सकते हैं। वो बहुत बढ़िया होता है, इसके साथ मुझे नहीं मिला। तो देख सकते हैं बैटरी बहुत ही सिंपल तरीके से लग जाती है। इसके बाद ऑन करते ही यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ग्रीन लाइट जल जाती है। ये आपको बताती है कि बैटरी कितनी चार्ज है, मतलब बैटरी इंडिकेटर लाइट है। और फिलहाल अभी आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में DJI की ब्रांडिंग की गई है। और सबसे पहले मैं नीचे से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं गिम्बल प्रोटेक्टर इस पर लगा हुआ है। आप सबसे पहले इसे उल्टा रख लीजिए बहुत ही आराम से, और उसके बाद यहाँ पर गिम्बल प्रोटेक्टर को हटा लीजिए। तो इसके बाद आपका जो ड्रोन का कैमरा है वो फुल्ली गिम्बल पे वर्क करेगा। अभी आप देख सकते हैं ये एक मिनी एक्शन कैमरा की तरह लग रहा है, लेकिन ये उससे भी बेहतर क्वालिटी देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड में काफ़ी सारे इसमें सेंसर्स लगाए गए हैं, तो ये बहुत ही कमाल है। इतने सारे सेंसर एक साथ नीचे की साइड में इसमें लगाए गए हैं, और यहाँ पर छोटे छोटे छेद बनाए गए हैं ताकि ड्रोन अंदर से हीट ना हो, ओवर हीट होके जल जाते हैं ड्रोन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सामने की साइड में भी सेंसर्स लगाए गए हैं। पहले मैं इस लोगो को निकाल देता हूँ, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो आपको ब्लैक डॉट्स से दिखाई दे रहे होंगे ड्रोन में, ये जो है ये इसके सेंसर्स हैं जिनसे ये मतलब कहीं भी टकराने से पहले आपको बता देता है, मतलब अलर्ट कर देता है। अगर कोई भी चीज़ इस ड्रोन के सामने आती है तो वो सेंस करके रुक जाता है, मतलब टकराता नहीं है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, ड्रोन वगैरह मैंने आपको अच्छी तरीके से दिखा दिया है, अभी जो इसकी प्रॉपलर्स हैं उन्हें हम अपने ड्रोन में ऐड कर लेते हैं। तो प्रॉपलर्स लगाना बहुत ही ईजी है, बस आपको राइट वाली को राइट में, लेफ्ट वाली को लेफ्ट में, ये ध्यान रख के लगाना है। वैसे तो गलत प्रॉपलर लगेगी भी नहीं, सही प्रॉपलर सही जगह पर ही फिट होती है, अगर गलत लगाएंगे तो वो लगेगी ही नहीं। तो देख सकते हैं चारों प्रॉपलर्स मैंने इसमें लगा दी हैं, और देख सकते हैं हम ड्रोन कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और इसकी यार प्रॉपलर बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप देख सकते हैं इसका साइज कितना बड़ा है। दोस्तों अगर आप ड्रोन को फ्लाई करते हैं तो ड्रोन से थोड़ी सी दूरी ही बना के रखना, वैसे तो ये मतलब इसमें सेंसर्स हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी सेंसर अगर काम नहीं करते हैं तो फिर भी आप दूरी ही बना के रखना, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको अपने मोबाइल को इसमें कैसे लगाना है। सबसे पहले आपको यहाँ साइड में एक बटन मिलता है रिमोट के, उसे दबाना है, ये ऊपर हो जाएगा। उसके बाद आपको मोबाइल को यहाँ पर रखना है और इसे नीचे कर देना है, तो आपका जो मोबाइल है वो इसमें ऐड हो जाएगा। उसके लिए अब आपको अगर रिमोट से कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको एक केबल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे देख सकते हैं ये USB to Micro USB केबल है। आपको इसे अपने मोबाइल में ऐड करना है और उसके बाद अपने ड्रोन में, यहाँ पीछे की साइड में आपको USB पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर इसे लगा देना है। तो दोस्तों अब जो है आपका मोबाइल जो है आपके रिमोट से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस इसकी DJI की एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से, और उसके बाद आपका जो ड्रोन का कैमरा है वो आपके मोबाइल पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं अभी हम इसको फ्लाई करके टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा फ्लाई करता है। अभी आप देख सकते हैं इसकी गिम्बल कितने अच्छे तरीके से एडजस्ट हो रही है, और दोनों जॉयस्टिक को कॉर्नर पे खींचते ही ये फ्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। तो देख सकते हैं यार कितनी ज़्यादा पावर है और कितना ज़्यादा कमाल का ये लग रहा है, मतलब मज़ा ही आ जाता है इसको देखने में, और बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ ये फ्लाई करता है। और दूसरी बात यह है कि अभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा हवा चल रही है उसमें भी थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हिल रहा है। दोस्तों ड्रोन बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और इसे फ्लाई करने में भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और सबसे मेन बात मैं अब चलिए आपको बता देता हूँ इसकी रेंज। तो इस ड्रोन की रेंज आपको 7.5 किलोमीटर की मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है यार, इतना तो ड्रोन फ्लाई भी नहीं हो सकता और ना ही कोई करता है, क्योंकि इतना होने पर तो इसकी बैटरी ही खत्म हो जाती है। तो अब बैटरी की बात कर रहे हैं तो चलिए बैटरी भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि दोस्तों आपको लगभग 30 मिनट का प्ले टाइम देती है, और इसके साथ आपको 3 बैटरियां देखने के लिए मिल जाती हैं। तो 90 मिनट आप लगातार बिना रुके, मतलब एक बार तो रुकना पड़ेगा बैटरी चेंज करने के लिए, तो एक बार बीच में रुक के इसे 90 मिनट तक लगातार फ्लाई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी ज़्यादा मज़े आप ले सकते हैं इस ड्रोन के। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसकी बैटरी चार्ज होने में कितना टाइम लेती है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपके पास मोर कोम्बो वाला चार्जर है, आपको इस ड्रोन के साथ मिला है, तो आप तीनों बैटरियों को 2 से 2.5 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको सिंगल वाला चार्जर मिला है तो आपको उससे भी उतना ही टाइम लगेगा। तो तीनों बैटरी अगर एक साथ चार्ज हो जाती हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है।
आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाता है और 1.5 घंटे तक फिर इसे लगातार आप फ्लाई कर सकते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया रहता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि है इसका कैमरा। तो इसका जो कैमरा आता है वो 3 एक्सिस गिम्बल के साथ आता है, जो कि एकदम स्टेबल वीडियो के लिए बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर जो इसका कैमरा है वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो करता है उसकी रेजोल्यूशन है 4K 60 FPS, और उसका बिटरेट होता है 100 MBPS। मतलब बहुत ही हैवी फाइल बनाता है, बहुत ही हाई क्वालिटी फाइल बनाता है, जो कि एकदम मज़ा ही आ जाता है देखने में। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि 1080 में ये 75 MB/s की स्पीड से वीडियो बना सकता है, जो कि एकदम कमाल की फुटेज होती है। मतलब एक हाई क्वालिटी फुटेज जिसे कहते हैं वो फुटेज ये बना देता है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर बात करें इसकी क्वालिटी वगैरह सारी चीज़ों की, तो मुझे ये ड्रोन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अभी तक मुझे DJI के कोई भी ड्रोन इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए थे, ये ड्रोन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और बहुत ही बढ़िया भी है। और सबसे बढ़िया है इसका कैमरा, जो कि एकदम ही लाजवाब है। तो चलिए अभी इसकी करा लेते हैं लैंडिंग और उसके बाद करते हैं इसकी कैमरा टेस्टिंग। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.